स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर नीट 2023। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नीट 2023 कब तक होने की संभावना है। तो ये मई के महीने में होने की संभावना है। अगर डेट्स एक्सटेंड होते हैं तो ये बच्चों के लिए प्रॉफिट की ही बात है कि उन्हें कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा फॉर रिविजन। लेकिन फिर भी जो भी बच्चे नीट 2023 में अपीयर होने जा रहे हैं वो अपने माइंड में एक मंथ फिक्स करके रखें और वो मंथ मई का है ना। तो अभी से उस डेट तक यानी कि उस मंथ तक के लिए सिर्फ एक मंथ यानी कि 8 महीना बचा है। अब इस 8 महीने में प्रिपरेशन करना है। नीट 2023 जो है उसमें दो प्रकार के बच्चे अपीयर होंगे। पहला प्रकार तो उन बच्चों का होगा जो नीट 2022 में अपीयर हुए हैं, बोर्ड्स का एग्जाम ऑलरेडी वो दे चुके हैं और इनफैक्ट 1 या 2 साल से वो ड्रॉप कर चुके हैं और वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं ड्रॉप लेने के लिए फॉर नीट 2023। दूसरा प्रकार उन बच्चों का होगा जो 2023 में बोर्ड्स का एग्जाम देंगे, साथ ही साथ नीट के एग्जाम में भी अपीयर। तो जो बच्चे 2023 में बोर्ड्स का एग्जाम देंगे उन बच्चों का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। इनफैक्ट उन्होंने 2021 में ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया होगा। इनफैक्ट आने वाले 2-3 मंथ में उनका तो सिलेबस भी खत्म होने जा रहा है। तो वो जहां से भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे, उसमें लगे रहे। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है जिससे उनको दिक्कत है, उनके मन में एक टेंशन बढ़ रहा होगा और वो ये है कि हाउ टू मैनेज बिटवीन द बोर्ड एग्जाम एंड नीट 2023। तो ये एक अलग ही टॉपिक है। इस टॉपिक का जो भी डिस्कशन होगा वो मैं अगले वीडियो में, जो भी हमारे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस होंगे उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं फिलहाल उन बच्चों के बात करता हूँ जिन्होंने 2022 का नीट एग्जाम दिया है, दे रखा है। देखो बच्चों, 17 जुलाई 2022 को नीट का एग्जाम हो गया और उसी रात लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स ने एक पॉसिबल आंसर की भी अपलोड कर दिया जो लगभग सही ही होता है। इनफैक्ट सभी बच्चों ने अपना आंसर भी उससे मिलाया होगा और उनको स्कोर का एक आइडिया मिल गया होगा। जो भी बच्चे 610 या उसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं, अच्छा ये जो स्कोर मार्क मैंने बताया है ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया है, तो जो भी बच्चे 610 या उसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं वो रिजल्ट का वेट करें। वो काउंसलिंग तक का भी रिस्क ले सकते हैं, उन्हें सीट मिलने की, उनको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस बच्चे का स्कोर 500, 450, 400, 300 या उससे भी कम आया है वो रिजल्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? उनका रिजल्ट का वेट करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो 500 स्कोर किए हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसे लगता है कि उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के माध्यम से सीट मिल जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है, है ना। तो वो एक्चुअली में रिजल्ट का वेट करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको नीट 2023 देना है, वाकई में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना है, तो यही वो टाइम है जिस समय आप स्टार्ट एक्चुअली में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, है ना। एक कहावत है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। लेकिन एक्चुअली में जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कहावत सटीक बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर अप्रैल 2023 में जाकर हम ये कहावत बोले इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, तो भैया बात ऐसा है कि अप्रैल में तुम अगर ये बात बोलोगे और कहोगे कि हम मई का तैयारी, मई में जो होने वाला एग्जाम है उसका तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, तो ये बेवकूफाना हरकत होगा, है ना। फिर वो लोग जो इस धरने पे चल रहे हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें नीट 2024 के लिए। अगर वाकई में तुम नीट 2023 में चाहते हो कि अच्छा स्कोर मिले, तो अपना प्रिपरेशन बिना समय गंवाए स्टार्ट कर दो। किसी मुहूर्त को निकालने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आज से, अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिस भी बच्चे को लगता है कि वो सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर कर लेगा, गो फॉर इट। जिस भी बच्चे को लगता है कि नहीं उसको कोचिंग या इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है,
वो बिल्कुल बिना देर किए हुए जिस भी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो, वो जल्द से जल्द एडमिशन ले और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बिहार के जो भी बच्चे हैं जो पटना में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। अन अकेडमी का ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, तो वो यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो मैं तो लास्ट में भी यही कहना चाहूंगा कि यही वो समय है, क्योंकि एक्चुअली में हम लेट हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, है ना। और लेट मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करोगे, जितना ज्यादा समय बर्बाद करोगे, उतना ज्यादा सफलता से तुम्हारी दूरी बढ़ती जाएगी। और ये दूरी जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ही कठिन हो जाएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो जल्द से जल्द एडमिशन लो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसको जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। Let's crack it.